हाय गाइस, आज हम बनाएंगे पिस्ता आइसक्रीम। ये पिस्ता आइसक्रीम हम बहुत ही कम चीज़ों से बनाने वाले हैं। इसमें हमने बहुत ही कम चीज़ों का इस्तेमाल किया है। हम आज कुछ दो तीन चीज़ें इस्तेमाल करके ही इस आइसक्रीम को बनाने वाले हैं, क्योंकि ना तो हमने इसमें मिल्क यूज़ किया है, ना ही कॉर्नफ्लावर और मिल्क पाउडर यूज़ किया है, और ना ही हमने चीनी इस्तेमाल की है। तो आइए पिस्ता आइसक्रीम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बोल या वेसल को आप 10-15 मिनट के लिए रेफ्रिजरेटर में डीप फ्रीजर में रख दीजिए ठंडा होने के लिए। फिर उसको बाहर निकाल के अब हम इसमें 2 कप जितना व्हिपिंग क्रीम लेंगे। यहाँ पे मैंने व्हिपिंग क्रीम इस्तेमाल किया है। आप व्हिपिंग क्रीम की बजाय अमूल का जो फ्रेश क्रीम आता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसे अब हमें 5-6 मिनट के लिए बीट करना है बीटर से। जब आप फ्रेश क्रीम यूज़ करते हो तो उसमें बीटिंग में बहुत थोड़ा टाइम लगता है, उसमें आपको 10-12 मिनट तक बीट करना पड़ता है। लेकिन व्हिपिंग क्रीम अगर आप यूज़ करते हो तो ये 5-6 मिनट में डबल हो जाता है। तो आप देख सकते हैं अब हमारा व्हिपिंग क्रीम फ्लफी और पिक फॉर्म में आना शुरू हो गया है। अब हम इसमें कंडेंस मिल्क ऐड करते हैं। ये व्हिपिंग क्रीम ऑलरेडी थोड़ा सा स्वीट होता है, इसलिए हमने कंडेंस मिल्क सिर्फ 1/2 कप इस्तेमाल किया है। आप पहले व्हिपिंग क्रीम को टेस्ट कर लीजिए, अगर वो फीका है तो फिर उस हिसाब से कंडेंस मिल्क आप यूज़ कीजिए। थोड़ा सा ग्रीन कलर लाने के लिए आप 1 टेबल स्पून जितना ग्रीन कलर डाल दीजिए, और आखिर में 3-4 कप जितना क्रश्ड पिस्ता चियो यानी कि पिस्ता डाल दीजिए। अब सभी चीज़ों को मिक्स कर ले, यानी कि 1 मिनट तक फिर से आपको इसे बीट करना है। तो ये अब हमारा आइसक्रीम का मिक्सचर एकदम बन के रेडी हो चुका है। तो अब इसे एयर टाइट कंटेनर में भर दीजिए। ऊपर से थोड़े क्रश्ड पिस्ता चियो डाल दीजिए। और इसका ढक्कन बंद कर दीजिए 6 से 7 घंटे के लिए, या फिर ओवरनाइट के लिए डीप फ्रीजर में रख दीजिए। मैंने ओवरनाइट के बाद इस कंटेनर को बाहर निकाला है। आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया आइसक्रीम बन के तैयार हुआ है। तो अगेन फिर से थोड़े ऊपर से पिस्ता डाल के इसे गार्निश कर लीजिए। तो समर की इस गर्मी में इस पिस्ता आइसक्रीम को बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए, और मुझे कमेंट करके बताइए मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।